नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में फिर एक लूट की वारदात सामने आई है, जहां दो बदमाशों द्वारा घर में प्रवेश किया गया और युवक के साथ मारपीट की और उनके घर में रखे रुपए लूट कर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामला इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के टापू नगर का है। यहां के रहने वाले योगेश निमजे नामक युवक द्वारा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि सूरज मराठा और सचिन मराठा नामक बदमाश उनके घर में घुस आए और उनके साथ मारपीट की, वहीं घर में रखे रुपए भी लूट कर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों बदमाशों के खिलाफ वैधानिक धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की है। घटना को अंजाम देने वाले दोनों बदमाश क्षेत्र के आदतन बदमाश, जिन पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। देसीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें दो आरोपी हैं सूरज मराठा और सचिन मराठा। इन दोनों ने एक जो है आवेदक के घर में घुसकर मारपीट की और उनसे जो है पैसे जो है लूटे। इस पर जो है थाना परदेशीपुरा पर 392, 452, 294, 506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसमें दोनों आरोपी अभी जो हैं वो फरार हैं, लेकिन पुलिस उनको जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। ये दोनों आदतन अपराधी थे, दोनों के खिलाफ फाइनल बॉन्ड वार 116 के तहत किया गया था, तो इनके खिलाफ बॉन्ड वार के उल्लंघन की कार्रवाई है वो भी की जाएगी। इनका जो सामने जो आस पास का था, इनका ये जो असामाजिक तत्व हैं, इनका घर में अपनी जो धमक दिखाने के लिए घर में घुसे थे और इस तरह से मारपीट की थी। मामूली बात पर इस तरह से विवाद बढ़ा और उसके बाद फिर इस तरह से मारपीट की थी। पुलिस ने ऑलरेडी इनका बाउंड वर्क करवा रखा है, साथ में इनका जिला बाजार का प्रकरण है वो भी प्रस्तुत किया जा रहा है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।